प्रदेश की लुप्त हो रही परंपरागत लोक संस्कृति एवं कला विधाओं के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा शुक्रवार को ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय छावनी रोड ब्यावर पर जवाजा ब्लॉक हेतु आयोजित ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव कार्यक्रम में विधायक शंकर सिंह रावत ने अतिथि रूप में शिरकत करते हुए माँ सरस्वती के चित्र पर पुष्पहार चढ़ाते हुए कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इस दौरान बालिकाओं ने सरस्वती वंदना की सस्वर प्रस्तुति दी। इसके पश्चात आयोजन संयोजक विद्यालय की ओर से विधायक रावत तथा उपस्थित अन्य अतिथियों का साफा वेमाला पहना कर स्वागत किया। इस दौरान संस्था प्रधान सीमा कृपलानी ने विधायक रावत को स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस दौरान विधायक रावत ने अपने उद्बोधन में कहा कि वर्तमान मातृशक्ति विभिन्न क्षेत्रों में अपना परचम फैला रही है। उन्होंने कहा कि अध्ययन के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं को तराशने का कार्य भी होना चाहिए ताकि उनमें निखार आ सके। इसके पश्चात विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए अपना पंजीयन करवाने वाली प्रतिभाओं ने अपनी अपनी विधा में शानदार प्रस्तुतियाँ दी। कार्यक्रम के दौरान गायक नृत्य शास्त्रीय नृत्य एकल गायन समूह गायन आशुभाषण समूह चर्चा वाद्य यंत्रों में सितार बांसुरी तबला मृदंग वीणा हारमोनियम गिटार के अलावा रावण हत्ता रम्मत अलगोजा मानडा भित्ति चित्र खड़ताल मोरचंग सहित अन्य कलाओं के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में प्रथम द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह तथा प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए। कार्यक्रम में मुख्य एसडी स्कूल प्रधानाचार्य दिनेश कुमार शिक्षाविद डॉक्टर दीपाली लाल भामरशाह शांतिलाल नाबरिया राम पंजाबी अर्जुन लाल कृपलानी शिक्षाविद गीता सोलंकी सहित अन्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता गुरु शरण गोयल ने किया।